देवास में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक दरिंदे ने 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। इन घटनाओं को देखकर लगता है अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं बचा है। देवास जिले के कन्नौज अनुभाग के नेमावर हरण गांव व खाते गांव थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नेमावर थाना क्षेत्र के चिचली गांव की 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की पकड़ में अभी आया भी नहीं था कि हरण गांव थाना क्षेत्र के मचवास में दुष्कर्म की घटना हुई है। 18 वर्षीय युवक ने 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हैवानियत दिखाते हुए दुष्कर्म किया। इससे पूर्व खातेगांव थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हो चुकी है, जिसमें आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस तंत्र कमजोर हो रहा है या फिर अपराधियों में पुलिस का खौफ अब खत्म हो गया है। थाना नेमावर में दिनांक 20/3/2024 को ग्राम चिचली से एक नाबालिग बालिका के जाने की घटना सामने आई थी, जिस पर से थाना नेमावर में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 3 दिन बाद उस लड़की को दस्तियाब किया गया। तो दस्तियाबी के बाद उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आरोपी द्वारा उसको जबरन घर से ले जा करके शादी का झांसा दे करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, उस बयान के आधार पर माननीय न्यायालय में 164 के कथन कराए गए और उसमें 376 धारा का इजाफा किया गया। थाने में धारा 376 AB और 408 के तहत मामला कायम किया गया। इसमें तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संपत उपाध्याय जी देवास एवं श्री आकाश भूरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय देवास एवं श्री केतन अटलक SDOP साहब कन्नौज, इनके द्वारा तुरंत मार्गदर्शन में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसमें आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो कि गाँव मचवास का एक राम भरोसा उर्फ बारिक, जिसका नाम है राम भरोसा उर्फ बारिक पिता बद्दू सिंह, जिसकी उम्र करीबन 18 वर्ष थी, उसने उसके खेत पर ले जाकर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसे न्यायालय पेश करके और जेल भेज दिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।